हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम इंक्रीमेंट करवाएंगे पाइथन के अंदर और व्हाइल लूप का यूज करेंगे। फायदा क्या होगा, लिखेंगे एक बार प्रिंट होगा कई बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ए एक ले लिया हमने वेरिएबल और इसमें इनिशियलाइज कर दिया जीरो। अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगा रहा हूं और यहाँ पे ब्रैकेट को करूंगा ओपन। ए इज लेस देन इक्वल टू नहीं करता, सिर्फ लेस देन करता हूं, लेस देन 10 कर देता हूं। 10 का मतलब हुआ 9, लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ 9 तक, ठीक है। अब यहां पे लगाएंगे कॉलन, एंटर करेंगे और यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां लिख दूंगा a प्लस वन लिख दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, एंटर करना है, नीचे आना है, यहां पे प्रिंट जो फंक्शन है प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रिंट उसको यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैं अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ SURAJ और यहाँ पे लिखता हूँ तिवारी। तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ इसको एक बार, लेकिन ये प्रिंट करेगा 9 टाइम, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको चलाते हैं, रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो F5 करके इसको चलाता हूँ और ये देखिए ये काउंट कर सकते हैं आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम ये प्रिंट कर रहा है। हालांकि हमने यहां दिया लेस देन 10, लेकिन ये 10 टाइम, अच्छा जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो से स्टार्ट किया गया है जिसके चलते ये 10 टाइम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तब देखते हैं क्या होता है, एक बार चेक करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सेकंड आउटपुट जो आया हुआ है यहां पर ये 9 टाइम प्रिंट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको इसमें 2 इनिशियलाइज कर देता हूं तो ये 8 टाइम ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर देखिए इस तरीके से ये 8 टाइम ही प्रिंट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ये इक्वेशन समझ में आया होगा कि ये कैसे व्हाइल लूप यूज हो रहा है, ओके।